अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मनपा कर्मियों को नहीं मिल रहा सातवां पे कमीशन, सूरज पाटिल ने महासभा में उठाया मुद्दा, कटघरे में आयुक्त और उच्च अधिकारी। एनएमएमसी आयुक्त और उच्च अधिकारियों ने रोका स्थानीय मनपा कर्मियों का सातवां पे कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के लिए भी क्यों नहीं लागू हो रहा है समान काम समान वेतन। जी हां, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा नगर सेवक सूरज पाटिल ने मनपा की महासभा में उच्च अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। सूरज पाटिल की माने तो मनपा कर्मियों और कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के लिए सातवां पे कमीशन और समान काम समान वेतन का प्रस्ताव साल भर पहले ही मंजूर हो चुका है, लेकिन आयुक्त और उच्च अधिकारी हैं कि इसे लागू करने को तैयार नहीं है। पाटिल ने कहा कि उच्च अधिकारी राजनीतिक षड्यंत्र का मोहरा बनकर गणेश नाइक के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने सातवां पे कमीशन तत्काल लागू करने की मांग की। यहाँ का जो प्रशासन है उसमें दो तरह के अधिकारी है, एक तो शासन ने भेजे हुए अधिकारी है जो अभी आयुक्त है या फिर अतिरिक्त आयुक्त है, उपायुक्त है कुछ, या फिर जो दूसरा छोर है वो यहाँ के कर्मचारी है जो 95 से लेके यहाँ कर्मचारी कार्यरत है। तो ये दूजा भाव देखिए कि उन लोगों को सेवन पे कमीशन लागू हो चुका है और यहाँ पे जो कार्यरत है उनके लिए अभी भी शासन दरबार में वो प्रलंबित है। तो ये समस्या उजागर करनी जरूरी थी और उसके बाद यहाँ पे कंत्राटी स्वरूप पे कुछ लोग काम करें, 850 से लेके ज़्यादा संख्या में है। यूनियन के माध्यम से बार बार उनके लिए आवाज़ उठाता रहा, सभागृह में भी बोलता रहा, पर यहाँ पे देखा गया कि परमानेंट वर्कर को जो सैलरी है उससे आधी भी सैलरी इनको ये नहीं है। तो आदरणीय गणेश नाइक साहब ने 2017 में जो प्रस्ताव लाया था समान काम समान वेतन, उसको भी यहाँ पे बराबर से उन्होंने प्रशासन ने बाजू में रखा है। तो हमने वेतन श्रेणी उनको मिले इसकी गुहार यहाँ पे सभागृह में लगाई है। बताना जरूरी है कि नई मुंबई महानगर पालिका में गणेश नाइक के नेतृत्व वाली भाजपा की सत्ता है। जाहिर है सातवां पे कमीशन मिलता है तो इसका सीधा श्रेय गणेश नाइक को मिलेगा जो मनपा चुनाव में जीत के लिए मददगार बनेगा। सूरज पाटिल आरोप लगाते हैं कि इसीलिए महाविकास आघाड़ी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टियां भाजपा नेता गणेश नाइक के प्रस्ताव को रोकने और उनसे मनपा की सत्ता छीनने की साजिश में जुटी हैं। हालांकि सूरज पाटिल ने यह भी दावा किया कि विरोधी दल लाख कोशिश कर लें लेकिन लोक नेता गणेश नाइक और नई मुंबई के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। जनवरी के महीने में ये मंजूर किया गया महाराष्ट्र शासन का जीआर, वो 27 फरवरी को आदरणीय गणेश नाइक साहब के निर्देश के अनुसार हमने सभागृह में लाके मंजूरी दी कि जो अधिकारी कार्यरत थे उनको अधिकार दिया जाए। परंतु जब अभ्यास पूर्ण देखा गया कि 27 फरवरी के बाद सितंबर महीने तक वो प्रस्ताव यहीं पे प्रलंबित था और सितंबर महीने में वो शासन को सादर किया गया, शासन के सामने भेजा गया, जबकि इतना समय उन अधिकारियों के लिए गवाया गया जो कि कभी भी अच्छा नहीं है। उन अधिकारियों को उनका अधिकार मिलने के लिए बाद में जब शासन स्तर पे ये पाठ पूरा हुआ है तो हमें मालूमात मिली कि नई मुंबई महानगरपालिका आर्थिक तौर पे सक्षम है, इसकी स्थिति अच्छी है, अधिकारियों को ये जो लीगल है उनको मिलना चाहिए, इसके लिए महासभा भी उसको पॉजिटिव है। बट ये क्यों रखा गया, तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका को सातवां पे कमीशन की ऑर्डर दी गई जबकि वो छठवें महीने में दी गई है, जून महीने में, और हमारा प्रस्ताव सादर होने के बाद भी आज भी प्रलंबित रखा गया है जबकि आयुक्त साहब उसको जो सक्षम वहाँ से लाने में या फिर अभी जो सत्ता केंद्र है जो भी कोई सत्ताधारी बैठे उनकी कुछ आकांक्षा यहाँ पे नई मुंबई महानगरपालिका की इलेक्शन लग चुकी है और इस तरह रुका के इस तरह मुझे शंका है कि कहीं ये लोग अधिकारी वर्ग या फिर यहाँ के आवाम में कुछ गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ के नेतृत्व को यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हिसाब से हो रहा है। कोई भी कितना भी रोकने की कोशिश करे पर इस नई मुंबई में विकास और अच्छाई कोई नहीं रोक पाएगा, गणेश नाइक इस व्यक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।